फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज श्रद्धा लाइफ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि साड़ी कैसे ड्रैप कर सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत क्विकली हम साड़ी कैसे ड्रैप कर सकते हैं, प्लस स्लेट्स कैसे बना सकते हैं, हम पिन कैसे टक करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज साड़ी ट्यूटोरियल में बताने वाली हूँ। क्योंकि ज़्यादा पिन अगर हम साड़ी में यूज़ करते हैं तो साड़ी खराब हो सकती है हमारी, इसलिए मैं ज़्यादा पिन यूज़ नहीं करती हूँ और बहुत कम पिनअप के साथ मैं आप लोगों को साड़ी ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ कैसे ड्रैप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस एंड ब्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस इंजॉयफुली देखते रहें। सो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का वीडियो साड़ी ट्यूटोरियल, हाउ टू रैप द साड़ी। सो मैंने पहन लिया पेटीकोट और पेटीकोट का जो स्ट्रिंग है यानी पेटीकोट की जो डोरी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्राई करेंगे अच्छी तरह से, जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स। और पेटीकोट पहनने के बाद हमें साड़ी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है पहनना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। साड़ी को अपने राइट हैंड साइड से टक करना स्टार्ट करेंगे और राउंड होकर राइट हैंड साइड तक टक करके छोड़ देंगे। देखिए देखिए, मैंने राइट हैंड साइड तक के टक करके छोड़ दिया है। इसी तरह से आप लोगों को राइट हैंड साइड तक टक करना है अपनी साड़ी को, जहाँ मैं फिंगर से पॉइंट कर रही हूँ। इसके बाद आपको साड़ी का पल्लू की तरफ जाना है और राउंड लेकर अपने पल्लू को लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, जैसे मैं आपको पॉइंट करके दिखा रही हूँ। पल्लू बनाते वक्त आपकी साड़ी स्लिप ना हो, इसीलिए आप साड़ी के एक छोर को कमर के पास रफली टक कर लेंगे। उसके बाद हम पल्लू के प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहले पल्लू बनाते हैं और उसके बाद नीचे की प्लेट्स बनाते हैं तो आपकी जो साड़ी है वो स्लिप नहीं होगी बिल्कुल भी, और पल्लू कितना लंबा लेना है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पल्लू के प्लेट्स, जो कि मैंने आपको एकदम क्लोज़अप से दिखाया है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने प्लेट्स किस तरह से बनाई हुई हैं, आप भी इसी तरह से बनाएं। पल्लू की प्लेट्स यहाँ पे बन गई हैं। इसके बाद आप पल्लू को सेट करते जाएं, पल्लू की जो प्लेट्स हैं उसे अच्छे से सेट करें और फिर आगे की तरफ लें। अगर प्लेट्स बनाते वक्त आपकी साड़ी स्लिप हो रही है तो आप पिन टक करते जाएं, उसके बाद आपके प्लेट्स आगे सेट करते जाएं, जिससे कि आपके पल्लू के प्लेट्स स्लिप नहीं होंगे। यहाँ पर पल्लू को मैंने थोड़ा लंबा लिया हुआ है क्योंकि पल्लू को मैं शालू स्टाइल में लेने वाली हूँ। पीछे में पल्लू को टक करने के बाद सामने शोल्डर में भी एक पिन से टक करें, जहाँ मैं फिंगर से पॉइंट कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो पल्लू के अंदर का भाग है उसे हम कमर की तरफ अच्छे से लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर कर पिन टक करेंगे, जिससे कि हमारी प्लेट्स अच्छी दिखेगी और साड़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। इसके बाद हमने साड़ी को राइट हैंड साइड में टक करके छोड़ दिया था, वहीं से हम साड़ी की प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको एक एक प्लेट्स बनाते जाना है। यहाँ पर मेरे प्लेट्स बनाकर हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद मैं इन प्लेट्स को एक एक करके लाइन अप कर लूँगी इस तरह से। यहाँ प्लेट्स बनने के बाद जहाँ मैं फिंगर से पॉइंट कर रही हूँ पूरी प्लेट्स को पिन से सिक्योर कर ले, जिससे कि आपकी प्लेट्स बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगी। इसके बाद पूरी प्लेट्स को आप अच्छे से टक कर लें। इसके बाद इन प्लेट्स को पिन से सेट करें, जहां मैं फिंगर से पॉइंट कर रही हूं। इसके बाद आप अपनी साड़ी की नीचे की प्लेट्स को भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि साड़ी का लुक और भी अच्छा आएगा। यह हमारी साड़ी का फाइनल लुक। यहां पर मैं आपको बताऊंगी जो रुमाल है उसे आप राइट हैंड साइड में कैसे टक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप साड़ी के पल्लू को कैसे शालू स्टाइल में ले सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी साड़ी का फाइनल लुक।
सारे ट्यूटोरियल जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया स्टेप बाय स्टेप, मैंने आज आप लोगों को बताया है कि हम कैसे पिन टक कर सकते हैं, कैसे प्लेट्स बना सकते हैं। मैंने क्लोजअप से आप लोगों को आज सारी चीज़ें बताई है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और मुझे किस तरीके से आप लोगों को साड़ी ड्रैप करना बताना है आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।